अयोध्या के सदर तहसील तिकोनिया पार्क में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, जिसमें प्रमुख रूप से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा सहित कई दलों के लोग शामिल थे। सभी दलों ने अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार के हनन को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त मोर्चा की अध्यक्षता कर रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामधारी सिंह दिनकर ने बताया कि कल कानपुर में बामसेफ का राज्य अधिवेशन होना था, लेकिन कानपुर नगर निगम की पुलिस ने धारा 144 बताकर कार्यक्रम को निरस्त करवा दिया। जबकि संविधान के आर्टिकल 19 में शांतिपूर्ण ढंग से सभा और सम्मेलन करने का सभी को मौलिक अधिकार है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि मौलिक अधिकार के तहत जो भी सभा सम्मेलन करते हैं उनको अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए और पत्र प्राप्त होते ही 24 घंटे के अंदर उन्हें अनुमति दी। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी दिया। सर, कल राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा कल कानपुर में 37वां राष्ट्रीय अधिवेशन लगा राज्य अधिवेशन लगा था, जिसमें हमारे लोगों को वो करने नहीं दिया गया जो कि हमारा आर्टिकल 19 के तहत हमें अधिकार मिला है कि हम अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। लेकिन बड़ी भारी पैमाने पर वहाँ पर प्रशासन के द्वारा वो कार्यक्रम रद्द कराया गया, जो कि आज भारत सरकार के द्वारा आज़ादी का अमृत जश्न मनाया जा रहा है। जहाँ पर एक तरफ आज़ादी का अमृत जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे लोगों का पूरा हक अधिकार खत्म किया जा रहा है। बोलने पर पाबंदी की जा रही है, हमारे लोगों को जगह जगह मारा पीटा जा रहा है, पानी तक नहीं पीने दिया जा रहा है। तो साथियों, ये हमारे लोगों के साथ बहुत बड़े धोखेबाजी की जा रही है। इस मुद्दे पर हम लोग आज बामसेफ के द्वारा पूरे ज़िले में, सभी ज़िले में आज ये धरना प्रदर्शन का काम किया जा रहा है। मांग हमारी यह है कि अगर हमारी मांगे अगर नहीं मानी गई, जैसे मांग हमारी है कि जो वहाँ पर जितने भी पुलिस कर्मचारी थे उनको बर्खास्त किया जाए जिन्होंने आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया। हमारी मांग ये है, अगर मांगी हमारी मानी नहीं जाएगी तो हम 1 सितंबर को भारत बंद करेंगे। कानपुर नगर में बामसेफ का 37वां राज्य अधिवेशन होना था और वो कल की तारीख में होना था और वो उसके लिए हाल भी बुक था और वो कार्यक्रम को रोकने के लिए जो है सत्य प्रकाश पांडे नाम के सहायक पुलिस आयुक्त कानपुर ने जो है उसको रोक दिया और कार्यक्रम नहीं होने दिया। ये कार्यक्रम हमारा जो है नहीं होने दिया गया और ये कह करके कि ये बामसेफ के लोग जो है ये भड़काव, ये जो है समाज को तोड़ने का काम करते हैं, धर्म परिवर्तन का काम करते हैं और इनके बोलने से जो है समाज में जो है दंगा फसाद होता है। तो इस तरह का अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, फिर भी ये तो जो हमारा कमरे में बैठ करके जो हम कार्यक्रम करते हैं, हमको बोलने का जो अधिकार मिला संविधान के आर्टिकल 19 के तहत, हमको जो बोलने का जो अधिकार मिला, कार्यक्रम करने का अधिकार जो मिला था, जो हमें संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला, जो मौलिक अधिकार हमारा है, उस मौलिक अधिकार का हनन हुआ। इसलिए उस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग जो है आज उत्तर प्रदेश को बंद का आह्वान किया गया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा और उसी कड़ी में हम यहाँ ये कार्यक्रम चला रहे हैं। और क्या नाम है? 1 सितंबर को 1 सितंबर को भारत, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई जैसा हम चाह रहे हैं, तो 1 सितंबर को भारत बंद का भी कार्यक्रम होगा।